जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री से करनाल स्टेट हाईवे पर हैं, जहां पर बीबीपुर जटान के रहने वाले एक युवक की जो है सड़क हादसे में मौत हो जाती है। क्या कुछ कारण है, परिवार के लोग इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और जैसे ही अब युवक को जब उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो रास्ते में बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो जाती है और जो युवक है धान मंडी में डालकर उसके बाद घर की तरफ लौट रहा था। ट्रैक्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है नीचे गिरा पड़ा है और देख सकते हैं काफ़ी नुकसान ज़रूर है और उसके साथ किसान की जो है मौत भी हो जाती है। तमाम जो परिवार के इस समय मौके पर लोग पहुंचे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या नाम था उनका और कैसे आपको पता लगा? भाई साहब हमारा भाई रविंदर पुत्र जय सिंह गांव बीबीपुर जटान का धान लेकर आया था मंडी में और मंडी में जाम की स्थिति है बहुत। सड़क पर दूर तक ट्रालियां जाम हो रही सड़क पर, बारिश करका वो रात लेट तक ट्राली खाली होया और फिर अपने घर के लिए निकला था तो किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मारी और वो मतलब मर गया। मौके पर ही मौत हो गई है? नहीं, वो रास्ते में उस साथ के साथ ही उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रास्ते में ही उसको मौत हो गई। किस टाइम की घटना है जब वो धान मंडी में डाल करके आ रहे थे? वो आए थे वो कल दिन में थे पर इतनी भीड़ थी कि रात को 12-1 बज गया उसको वापसी के लिए। जानकारी किसने दी? जानकारी यही कोई जो जिम्मेदार और खड़े थे लाइन में ट्रालियों में लेके अपनी धान वाले उन्होंने फोन करा। जिस तरीके से मंडी में धान की आवक ज्यादा है और किसान भी परेशान हो रहा है, पूरा दिन लग जाता है, तो कहीं ना कहीं मंडी में भी अधिकारियों की लापरवाही, इस तरीके अधिकारियों की भी लापरवाही है जी, सरकार की लापरवाही है और रोज किसान मर रहे हैं, सड़कों पे सारी रात जागना पड़ता है और बहुत हादसे रोज हो रहे हैं सड़क के ऊपर। देख सकते हैं जो उनके परिवार के लोग हैं उनको साफ तौर पर कहने की, जिस तरीके से रात के समय किसान जो है धान मंडी में डालकर और आ रहा था और उसके बाद रास्ते में ट्रैक्टर ट्रैली जो है पलट जाती है या अज्ञात वाहन से, ये तो जांच का विषय है। देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है पलट चुका है और काफ़ी नुकसान जरूर ट्रैक्टर का हो चुका है, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास करें, एक दुखद खबर जरूर है क्योंकि एक किसान की मौत भी हो जाती है। जैसे उसको उपचार के लिए ले जाया जाता है तब उसकी जो है रास्ते में ही मौत हो जाती है। एक परिवार का सदस्य जो है बताया जा रहा है कि हादसे में उसकी मौत हो जाती है। परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं तो देख सकते हैं समय जो ट्रैक्टर है वो टूट चुका है पूरी तरीके से। एक बताया जा रहा है कि मंडी में धान लेकर के किसान पहुंचा था और जैसे ही रात के समय धान मंडी में डालकर और देख सकते हैं किस तरीके से जो इंद्री से करनाल स्टेट हाईवे है वहाँ पर एक जो व्यक्ति है जो बीबीपुर जटान का बताया जा रहा है मंडी में धान लेकर के आया था और उसकी जो है सड़क हादसे में जो है मौत हो जाती है। परिवार के लोग मौके पर जरूर पहुंच जाते हैं, जैसे ही उपचार के लिए उस व्यक्ति को लेकर के जाया जाता है तो रास्ते में ही व्यक्ति दम तोड़ देता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है, किस तरीके से किसान का ट्रैक्टर ट्रैली जो है पलट जाता है और उसके बाद उसकी युवक की उस किसान की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, समय जाँच का विषय जरूर है किस तरीके से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और किस तरीके से जो ये अंजाम होते हैं, ये घटनाएं होती हैं तो उस पर क्या कुछ रुक रहेगा। और भी हमारे साथ युवक जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, ये एक दर्दनाक सड़क हादसा जी, बहुत दुखी घटना हमारे किसान साथी के साथ हुई। मंडी से धान बेच के आया, वह घर वापस जा रहा था, बीच में एक्सीडेंट हुआ और तुरंत मौके पर ही दम तोड़ दिया। कानून व्यवस्था भी गलत है और जब से पोर्टल सिस्टम आया है ना उसके बाद किसानों की मजबूरी है लाइन में लगना, क्योंकि गेट पास सुबह कटेगा और जब जाके मंडी में एंट्री होगी। तो या तो इसका सरकार खुद सोल्यूशन करे कि किसान सड़कों पे ना खड़ा हो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, किसान सड़कों पे नहीं खड़े होगा तो सड़कें जाम नहीं होंगी, ना ही कोई दुर्घटना होगी। अब पीछे मंडी में देख लीजिए, एक साइड बिल्कुल जाम है ट्रालियाँ लगने की वजह से और एक ट्रालियों पे एक एक साइड में ही आवाजाही हो रही है, आउटसाइड में लोगों को चलना पड़ रहा है मजबूरी के कारण। तो हमने तो यही फैसला लिया है किसानों ने भी कि आने वाले समय में, क्योंकि सीजन में हम पोर्टल नहीं कराएंगे, ना ही सड़कों पे खड़े होंगे ना ही पोर्टल कराएंगे।
तो इस तरह की घटना जो होती है रात के समय, ऐसी घटनाएं हो जाती है, किसान मर जाते हैं, क्या कुछ लगता है इस तरीके के? देखिए, हम भी दुखी हैं खुद कि हमारा कोई किसान साथी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो हमारे लिए भी दुखदायी घटना है और परिवार पे तो बहुत ज़्यादा दुख इस टाइम आफत पड़ गई है एक तरह से। तो व्यवस्था सही रखे प्रशासन भी, मंडी व्यवस्था सही रखे, रोड पे भी व्यवस्था सही रखे, ताकि कोई भी इस तरह व्यक्ति मौत की कगार में ना आए, मौत की तरफ मुंह में ना आए। जी जी जी, तो देख सकते हैं इस समय जो ट्रैक्टर है वो किस तरीके से पलट चुका है और इंद्री से करनाल स्टेट हाईवे पर मौजूद है, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं और इस जो दुखद घट खबर है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बीबीपुर जटान का बताया जा रहा है, रिंकू उस किसान का नाम था जो धान लेकर के पहुंचा हुआ था, और जैसे ही इंद्री से क्रॉस होता है तो रास्ते में जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलट जाती है। वो जांच का विषय है कि क्या किस वजह से पलटी है, और भी लोग मौजूद हैं। मंजी जी, क्या कहेंगे, एक दुखद खबर है, किसान की मौत हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा सरकार किसानों की दुश्मन हो रही और इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से हमारे किसानों की जान जा रही। देर रात ये एक बीबीपुर का बड़ा ही हमारा किसान था और हर किसान की लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लेता था पूरे गांव में। ये रात एक्सीडेंट में इनकी दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इससे पहले भी एक मेरे गांव का लड़का, वो भी एक्सीडेंट में यहाँ धान लेके आया था मंडी में। मंडी में रस होने की वजह से, सड़कें जाम होने की वजह से, सरकार की गलत नीतियाँ, धान नहीं उठ रही, कट्टे पर कट्टा चढ़ा पड़े, ना लिफ्टिंग हो रही। अब भी हम मार्केट कमेटी में सेक्टर साहब में मिल के आए हैं कि करेंगे, उठाएंगे, पर खाली आश्वासन होता कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहे मंडी को पूरी रात में, अगर चाहे तो पूरी रात में खाली कर सकती है। इनके पास ना कोई साधन की कमी है, ना लेबर की कमी है, पर इनकी नीत में कमी है। इन्होंने ऐसे ही किसानों को सड़कों पर ले आना, और आप देख सकते हो इन्हीं गलत नीतियों की वजह से पिछले दो दिन के अंदर पूरे इंद्री ब्लॉक में 2-3 किसानों की मौत हो चुकी है। ये अधिकारियों की कमी है? बिल्कुल अधिकारियों की कमी है, सरकार की कमी है। अधिकारियों के पास पूरी पावर है, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। पावर का इस्तेमाल करो, जो मंडी में 1 तारीख से पहले 70,000 क्विंटल धान इकट्ठी हुई पड़ी थी, वो भी नहीं उठी अब तक। अब तो कहाँ उठेगी, उस धान तक जाने का रास्ता नहीं है। उससे पहले इकट्ठा इकट्ठा चढ़ा पड़ा। और एक दिन पहले जो किसान की मौत हुई, क्या कारण क्या था? वो भी कारण इसीलिए था, पिछले 2 दिन से, आज तो थोड़ा फिर भी सड़क पे थोड़ा आराम है, पिछले 3 दिन से तो ये 1 वे बना हुआ था। जो ये 2 वे है पूरा इंद्री से करनाल का, ये कल पिछले 2-3 दिन में 1 वे बना हुआ था। और अपने किसान अपनी वारी सवेरी अपनी जीरी लेगा वहाँ, फिर यहाँ से जल्दी खाली करा के और अपने खेत में कंपाइन लग रही, दोबारा फसल लेगा आने की उम्मीद रखा, नींद में हादसा हो जा, ट्रैफिक चला और जो 1 वे है ट्रैफिक जाम हो ही रहा। जब दाएं बाएं ना देखो, मंडी में तो बढ़ना ही है, किसान ना कहीं ना तो बढ़ेगा। तो नहीं, सरकार की वजह से और जो ये मंडी प्रशासन की वजह से याद से हो रही, नहीं का शिकार किसान हो रहे। अधिकारियों से मिलने आए, देख सकते हैं किस तरीके से जो किसान नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, और किस तरीके से जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली है पलट जाती है, जिसमें एक किसान की मौत हो जाती है। उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, बीबीपुर जटान का बताया जा रहा है। महज 40 से 42 साल उम्र जिसकी थी और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, और देख सकते हैं जैसे ही इंद्री से अपने घर की तरफ निकलता है तो रास्ते में एक सड़क हादसा हो जाता है, ट्रैक्टर पलट जाता है, और किसान की आप देख सकते हैं अभी तक चप्पलें जो हैं वहाँ पर पड़ी है। डिवाइडर पर बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चढ़ जाता है, और किस तरीके से जो ट्रैक्टर पलटने के बाद उस किसान की मौत हो जाती है। उपचार के लिए उसको ले जाया जा रहा था और रास्ते में ही उस किसान ने दम तोड़ दिया। एक दुखद खबर आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं, जहाँ पर धान लेकर आ रहे धान, जहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, धान मंडी में डालकर आ रहे किसान की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। तमाम इस समय लोग पहुँचे हैं गांव के, और किस तरीके से दुखों का पहाड़ एक परिवार पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे थे, जहाँ पर एक किसान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाता है और किस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।